हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्मॉल टेक पेजेस। सो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप आपकी जो पीसी है उस पीसी से दूसरे पीसी तक उसे स्क्रीन को शेयर कर सकते हो विदाउट वर्ड विद अ सॉफ्टवेयर। जी दोस्तों, और ये हम क्यों यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपकी जो लैपटॉप है, आपकी जो पीसी है, उस पर कुछ प्रॉब्लम होती हैं, सॉफ्टवेयर इशू होती है, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करनी है और वो आपको नहीं पता है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो इस ट्रिक को। जी गाइस, आपकी एक फ्रेंड है जिसको पता है, थोड़ा बहुत नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में, या फिर मान लीजिए उसको पता है वो करना लेकिन आपको नहीं पता है, तो आप कैसे करेंगे। आप आपकी ही पीसी उसे दे देते हो और वो घर बैठे बैठे ही कर देगा आपका जो काम है वो। कैसे, मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, इफ यू आर इन माय चैनल प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम स्मॉल टेक पेजेस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हो एक लैपटॉप है, एक डेस्कटॉप है। तो मैं दोनों में ही वो जो सॉफ्टवेयर है उसे इंस्टॉल करने वाला हूँ, और वो जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है एनी डे। कई लोगों को पता है इसके बारे में, कई लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो जिन लोगों को पता है अच्छा है, देखो सीखो, और जिनको नहीं पता है वो भी देखो वो भी सीखो। चलो गाइस, अपना काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक लैपटॉप है आप देख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे डेस्कटॉप है। तो मैं क्या करूँगा, इस लैपटॉप की जो स्क्रीन है डेस्कटॉप में शेयर करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, पहले बता देता हूँ यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की इस्तेमाल करूँगा तो आपको शायद से समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली ये जो फ़ोन है फ़ोन को यहाँ पे बिठा के आपको दिखा रहा हूँ पूरा विजुअल, ठीक है। इसीलिए आपको क्वालिटी शायद से लोअर नज़र आएंगे, लेकिन एडजस्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतर समझ में आएगा, इसीलिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे खोलूँगा गूगल को, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एनी डेस्क, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी गूगल को खोलूँगा और यहाँ पे लिखूँगा एनी डेस्क, ठीक है। तो दोनों में ही एनी डेस्क, उसके बाद इससे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, इसे डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इसे कर लेता हूँ डाउनलोड्स, इसे भी कर लेता हूँ डाउनलोड्स। ये 3.8 MB का फाइल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दोबारा से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। तो इसे करूँगा ओपन और इसे भी करूँगा ओपन, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको मज़ा आएगा। और तो यहाँ पे दोनों में ही हमारा जो है डाउनलोड हो गया है, उसके बाद दोनों का ही विजुअल आप शायद से देख पा रहे हो। तो यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको ये डाउनलोड कर लेना है। मान लीजिए आपकी जो फ्रेंड है वो मांग रहा है आपको जो ये जो नंबर है वो मांगेगा, ठीक है। तो अगर आपने नहीं डाउनलोड कर रखे हो तो उसको परमिशन नहीं दी जाएगी, वो कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ देख पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो नंबर है ये बताना है। अभी मैंने आपको बताया कि लैपटॉप की स्क्रीन को मैं डेस्कटॉप में शेयर करने वाला हूँ, तो मुझे बताना है ये वाला नंबर जो यहाँ पे शो हो रखा है। आप देख सकते हो अलग अलग डिवाइस के अलग अलग नंबर होते हैं, आपकी जो नंबर है ये नंबर सेम है, ऐसे दोबारा एक बार अगर आप ओपन करेंगे तो आपको यही नंबर नज़र आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 8856523 57, यहाँ पे कोने में आप देख सकते हो एक नंबर है, ये नंबर आपको बोलना है उसको, भाया फ़ोन हो सकता है, भाया व्हाट्सएप हो सकता है, जो कुछ भी हो आपके साथ उसका लिंक है, इसीलिए आप आपकी जो स्क्रीन है उसे शेयर करना चाहते हो, है ना। तो आपको ये जो नंबर है ये बताना है, ठीक है। तो देखो मैं इसे यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे डालना है, ठीक है, एड्रेस बुक पे। तो मैं लैपटॉप की स्क्रीन को डेस्कटॉप में शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे लैपटॉप का नंबर बताना है। तो यहाँ पे है 885885, उसके बाद 652357 मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं करूँगा कनेक्ट, जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ उसके बाद आएगा ऑप्शन अलाउ कर देता हूँ, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक्सेप्ट करना है, उसे कर दिया, यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ, ठीक है, यस कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे लोडिंग होने के बाद आप देख सकते हो अभी लैपटॉप का स्क्रीन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो अभी जो कुछ भी मैं करूँगा यहाँ पे, ये यहाँ पे शो होगा, यानी कि मैं इस लैपटॉप की काम कर रहा हूँ डेस्कटॉप में। अभी ये दोनों सामने हैं, आप किसी भी नेटवर्क से किसी भी जगह से ये कर सकते हो। अभी तो मेरा जो कनेक्शन है दोनों ही सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है।
तो अगर आपको ये मतलब का डाउट है कि मुझे सेम नेटवर्क चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, आप आपकी मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल की जो इंटरनेट होता है उससे भी कनेक्ट कर सकते हो, चाहे आप दिल्ली में हो मुंबई में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ ये नंबर बताना है और काम जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर स्क्रीन मेरा आ गया है, ठीक है, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सब कुछ होता है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ इस पीसी के अंदर, इसके बाद यहाँ पे क्या है सब कुछ नज़र आएगा। और यहाँ पे अगर स्लो चलता है इसका मतलब है आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो स्लो है, आपको हाई इंटरनेट स्पीड यूज़ करना होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जैसा हो रहा है ना, आपको ब्रॉडकास्ट हो रहा है, आपकी जो स्क्रीन है किसी दूसरे जगह पे जा रहा है भाया इंटरनेट, तो आपको अच्छा खासा इंटरनेट चाहिए इसे यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ वॉलपेपर वगैरह हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे कुछ है नेटवर्क वगैरह। ठीक है, तो ये था देखने की बात। ठीक है, अभी मान लो इसकी जो ऑफिस है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर एक्टिवेट करना है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैं वर्ड को खोलता हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। अगर कुछ प्रॉब्लम वर्ड में होते हैं तो मैं यहाँ से ही घर बैठे बैठे वो कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल इशू होता है, आपकी जो ब्राउज़र वगैरह होता है वो अगर ठीक से काम नहीं करता है, अनइंस्टॉल इंस्टॉल करना होता है तो आप कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काज हो सकते हैं, छोटे मोटे यानी कि आप सोच सकते हो कि बड़ा काज भी हो सकता है, क्योंकि सर्वर इशू या पे आपका जो माइक्रोसॉफ्ट है वो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसे कुछ टाइप वगैरह नहीं कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, है ना, तो आपको प्रॉब्लम जो है तुरंत सॉल्व कर लेना है। तो मैं इसे कर दूँगा यहाँ से बंद और व्हाट नेक्स्ट। तो यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, कुछ कुछ ऑप्शन ऐसा है जो आपको शायद से परमिशन ना दे रहा, तो आपको क्या करना है यहाँ से खुद से वो जो है मतलब कि एक्सेस मांगेगा या फिर अलाउ मांगेगा, आपको खुद कर देना है। ठीक है, तो अभी तक तो वो प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आया। ठीक है, मैं आसानी तरीके से बहुत आसान तरीके से यहाँ पे ऑफिस वगैरह यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिस हमारा ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिस वगैरह ओपन हो गया है, तो ऑफिस को बंद कर देता हूँ। अब अभी चलो कुछ अनइंस्टॉल करके दिखाता हूँ, तो उसी लिए यहाँ पे जाना होगा, कुछ अनइंस्टॉल करना है। अगर सॉफ्टवेयर इशू होता है मान लो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो VLC प्लेयर, मान लो मुझे इसी को ही अनइंस्टॉल कर लेना है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं अनइंस्टॉल एंड चेंजेस करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो आपकी जो लैपटॉप है उस लैपटॉप में मैंने सॉफ्टवेयर भी अनइंस्टॉल कर डाला। जी दोस्तों, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। ठीक है, ये देखो फिनिश करते ही ये जो है आपका VLC प्लेयर गया यहाँ से। तो आप सोच सकते हो मान लो यहाँ पे आपका कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो अगर किसी ने अनइंस्टॉल कर देते हैं इस तरह से तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि एनालिटिक्स कितने हद तक काम में आ सकता है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, सॉफ्टवेयर इशू होता है, तो इस तरह से आप ठीक करवा सकते हो, अगर आपको पता नहीं है तो। ठीक है गाइस, तो यस इस तरह से आप कर सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा बहुत ही आसान तरीका था। ठीक है, जब बस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना, उस ID को बोलना है, उस नंबर को बोलना है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और डिस्कनेक्ट कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे एनालिटिक्स हमारा ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से डिस्कनेक्ट बटन पे क्लिक करते ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एनालिटिक्स को इस्तेमाल करके आपकी जो काम है वो कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम आता है तो कर सकते हो। अब तक आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपकी जो सॉफ्टवेयर वगैरह है वो इंस्टॉल कर लेना है या फिर प्रॉब्लम कुछ सॉल्व कर लेना है किसी दूसरे की हेल्प से भाया ऑनलाइन घर बैठे। सो गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और एक लाइक ज़रूर कर दे, क्योंकि एक लाइक से बहुत मोटिवेट मिलता है नया कुछ क्रिएट करने की। तब तक के लिए घर पर रहो, सेफ रहो, मिलते दूसरे कोई वीडियो में। सो गुड बाय।